एक्ट्रेस से सन्यासी बनी नुपुर पहुंची थी केदारनाथ। लैंडस्लाइड के कारण वहां फंस गई थी नुपुर। केदारनाथ से वापसी के सारे रास्ते हो गए थे बंद। हेलीकॉप्टर से एक्ट्रेस को किया गया रेस्क्यू। सावन के पावन महीने में भारी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसे में एक्ट्रेस से सन्यासी बनी नुपुर ने भी बाबा केदारनाथ के दर पर लगाई हाजिरी। गेरुआ वस्त्र धारण किए नुपुर केदारनाथ यात्रा पर अकेले निकल पड़ी थी। अपनी केदारनाथ यात्रा की झलकियां फैंस के साथ शेयर करती रही। केदारनाथ जाते वक्त उन्होंने 17 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल की, लेकिन जब वो वहां पहुंची तब भारी बारिश होने लगी और फिर लैंडस्लाइड्स की वजह से रास्ते कई जगह से टूट गए। ऐसे में 11,700 फीट की ऊंचाई पर बेइंतहा ठंड में फंस गई थी नुपुर। नुपुर समेत वहां कई यात्री फंस गए थे। ऐसे में प्रशासन की तरफ से फंसे हुए सभी लोगों को बाहर निकाला गया। लंबे इंतजार के बाद नुपुर अलंकार की बारी आई और फिर उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाया गया। केदारनाथ से लौटते वक्त उन्होंने बर्फीली पहाड़ियों की वीडियो भी शेयर किए। यूं तो नुपुर अलंकार की यात्रा बहुत यादगार रही। उन्होंने खूब अच्छी तरह से बाबा के दर्शन किए। यहाँ तक कि मंदिर के पीछे शंकराचार्य समाधि के पास उन्होंने ध्यान भी लगाया। बाबा केदारनाथ मंदिर के आसपास उन्होंने कई वीडियोस बनाए। उन्होंने भीमशिला और आदि शंकराचार्य की समाधि के भी वीडियोस किए शेयर। केदारनाथ की यात्रा के दौरान उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले कई मंदिरों में जाकर मत्था टेका और वहां के नजारे अपने फैंस को दिखाए। नुपुर अलंकार ने यह भी बताया कि जब तक वो केदारनाथ में फंसी रही वहां कड़ाके की ठंड पड़ती रही। रात के वक्त तापमान माइनस में चला जाता था और कई रातें उनको टेंट में काटनी पड़ी थी। केदारनाथ यात्रा को नुपुर अपना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मान रही है। भले ही वो वहां फंस गई थी, लेकिन उस दौरान उन्होंने खुद को भगवान शिव के बहुत करीब महसूस किया। नुपुर अलंकार जब से सन्यासी बनी है उनका पूरा हुलिया ही बदल गया है। उनके बाल सफेद हो गए हैं, बहुत तेजी से उम्र हावी हो रही है। बता दें एक्ट्रेस ने 27 साल तक फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम किया है। यही नहीं, उन्होंने 157 टीवी शोज भी किए। लेकिन जब अभिनेत्री ने सन्यासी जीवन जीने का ऐलान किया था तो उनके फैंस भी हैरान रह गए थे। बता दें एक्ट्रेस ने अलंकार श्रीवास्तव से शादी की थी और उन्होंने साध्वी बनने के लिए पति को भी छोड़ दिया। बता दें एक्ट्रेस पिछले 2 सालों से भीख मांग कर गुजारा कर रही है। साथ ही वो देश भर के मशहूर मंदिरों की यात्रा कर रही है। संन्यास लेने के बाद नुपुर सादा जीवन जी रही है। उन्होंने अन्न खाना छोड़ दिया है। दिन में एक पपीता और एक सेब खाती है। उनके पास सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े और 1 जोड़ी चप्पल है। नुपुर ने बताया कि उनके लिए बस इतना ही काफी है और वो अपने खर्चे के बारे में चिंतित नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना मुंबई वाला घर बेच दिया है और उसी से वो अपना घर चला रही है। भले ही नुपुर ने संन्यास ले लिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर वो अब भी एक्टिव है। वो जहाँ जहाँ भी जाती है वहाँ की वीडियो शेयर करती रहती है। देश मंदिरों के दर्शन अपने फैंस को करवाती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।